नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक ऐसी दवा के बारे में जो कि आपके संपूर्ण शरीर पर और मुख्य रूप से हमारे ग्रंथियों पर बहुत अच्छा प्रभाव करता है, और बच्चों के लिए जो सूखा रोग हो जाता है, जो दोस्तों बहुत अच्छा खान पान के बावजूद अगर बच्चे में उस तरह का ग्रोथ नहीं दिखता है, अगर आपका बच्चा अच्छा खाता पीता है और उसे बार बार भूख लगती है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उसका न्यूट्रिटिव डिस्टर्बेंसेस, उसके कारण जो पोषण का जो क्रिया होता है हमारे शरीर में, उसमें जब गड़बड़ी आ जाती है, न्यूट्रिटिव डिस्टर्बेंसेस जब आ जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर सूखा रोग हो जाता है, जिसमें कि बच्चे के शरीर में मांस नहीं चढ़ता और दोस्तों वो दुबला पतला होता चला जाता है, जबकि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रैपिड मेटाबॉलिज्म के कारण हमारा जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है, जो चयापचय की क्रिया है, वो तेज हो जाती है, और दोस्तों जो खाना बच्चा खाता है, व्यक्ति खाता है, वह शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर विलियम बोरिक साहब जो लिखते हैं इस दवा के बारे में कि इसका जो रोगी होता है उसमें वोरासियस एपेटाइट होता है बट लूज फ्लेश होता है। आप देखेंगे कि उसमें एक राक्षसी भूख होगी लेकिन उसके शरीर पर मांस नहीं चढ़ता है, यह इस दवा की एक प्रमुख लक्षण है। दोस्तों मैं आपको दवा का नाम बता दूं, उस दवा का नाम है आयोडियम। डॉक्टर विलियम बोरिक साहब कहते हैं कि आयोडियम पेशेंट हैज ए वोरासियस एपेटाइट बट लूज फ्लेश, ये इस दवा की एक प्रमुख सिम्टम्स है। और दोस्तों इस दवा में आप देखेंगे कि भूख से तकलीफ बढ़ जाया करती है, और जब आप अपने बच्चे को फिर से खाना देते हैं, खाने के बाद व्यक्ति को, बच्चे को आराम होता है। इसमें आप देखते क्या है कि बच्चे चूँकि खाना खा लेते हैं, तो खाने के बाद आप ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से वह पच जाता है, ऐसे बच्चे में आप देखेंगे इनडाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है और बार बार डकारें आती हैं। दोस्तों मुख्य रूप से जो सूखा रोग होता है उसकी होम्योपैथी में तीन प्रमुख दवाइयां हैं। इसमें दोस्तों एब्रोटेनम है, आयोडियम है और नेट्रम म्यूर है। दोस्तों भूख से तकलीफ बढ़ जाती है और खाना खाने के बाद आराम होता है, ये आयोडियम का सिम्टम्स है। दोस्तों शरीर सूखता जाता है, इसमें एक बेहतरीन ये लक्षण है कि आयोडियम के पेशेंट का जो शरीर होता है वह सूखता चला जाता है, लेकिन जो ग्रंथियां होती हैं वो बढ़ती हैं, मुख्य रूप से जिगर, जो लीवर है दोस्तों, स्प्लीन जिसे हम लोग तिल्ली कहते हैं हिंदी में, ओवरी जो डिंब ग्रंथि होती है महिलाओं में, अंडकोश भी बढ़ता है, गले की ग्रंथियां भी बढ़ती हैं, लेकिन महिलाओं के केसेस में आप देखेंगे कि उनका जो छाती है, उनका जो स्तन है, वो घटता चला जाता है। और ऐसी महिलाएं जिनका अच्छा खान पान के बावजूद शरीर नहीं लगता है और उनका स्तन भी बहुत छोटा हो रहा है आकार में, सूखता चला जा रहा है, तो दोस्तों वहां पर आयोडियम एक बेहतरीन दवा हो सकता है उनके लिए। आप नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर उनका इलाज कराएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप स्वतः मेडिसिन लेते हैं, अगर इस तरह के लक्षण आप अनुमान लगा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सिम्टम्स को, तो दोस्तों आप आयोडियम लेकर के भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देखते क्या है कि आयोडियम के पेशेंट में आप जो पेट में मेसेंट्रिक ग्रंथि जो होती है, जो मेसेंट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो भी बढ़ जाया करता है, और वैसे ग्रंथियाँ जो है कड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, वहाँ पर आयोडियम बहुत अच्छा काम करता है। आयोडियम या दवा मुख्य रूप से दोस्तों मलेरिया के रोगी में भी बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पर क्विनिन के सेवन से अगर जिगर, लीवर और तिल्ली, स्प्लीन,
बढ़ जाए तो वहाँ पर अगर रोगी को आईडीएम दिया जाए तो दोस्तों उनका जो हेपेटोमेगली जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, स्प्लेनोमेगली जैसे लक्षण जो देखने को मिलते हैं आफ्टर मलेरिया, तो उसमें आईडीएम अच्छा काम करता है। दोस्तों इसका एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि गोइटर जो आयोडीन डिफिशियंसी मतलब आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है उसमें जो गले में जो घेघा हो जाता है जिसे हम लोग कॉमन शब्दों में कहते हैं, जो बढ़े हुए गिल्लड़ जिसे हम लोग गोइटर कहते हैं, उसमें भी दोस्तों यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। जो गले में गिल्टी बन जाया करती है उसमें भी यह दवा आयोडीएम बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से यह दवा एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथी में, जो हमारे पूरे शरीर पर मुख्य रूप से बच्चों के सूखा रोग में, और दोस्तों महिला हो या पुरुष हो, अगर आप अच्छा खान पान करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा रैपिड मेटाबॉलिज्म हो गया है, तो वहाँ पर आप आयोडीएम का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। आप जो है आयोडीएम 3x ले सकते हैं या 3C में उपलब्ध हो जाए तो भी ले सकते हैं। दोस्तों आयोडीएम 3x का आप 4-4 टैबलेट 3 बार ले सकते हैं, आयोडीएम 6C आप ले सकते हैं 5-5 बूंद 3 बार, आयोडीएम 30 आप 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं। कई केसेस में आयोडीएम का हाई पोटेंसी लेना भी अनिवार्य हो जाता है। जैसे गोइटर के केसेस में डॉक्टर नेस साहब लिखते हैं कि गोइटर के केसेस में उन्होंने CM पोटेंसी में बहुत ज़्यादा लाभ देखा है। इस तरह से आयोडीएम आप 1M का भी सेवन कर सकते हैं, और दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ही आप CM का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।